سمي بالعرش بعلمك وبالعرش بالقاس محمد. غیبتیں
इमाम में, गैबते इमाम मासूम में। फातिमा का लाल ये जमाना जब वो हमारी नजरों के सामने नहीं है। देखिए बास लोगों के लिए जरूरी होता है, बच्चों के लिए खासतौर से, कि गैबत का मतलब ही कि नजरों के सामने नहीं है। लेकिन नहीं है का मफहूम और है, नजरों के सामने नहीं है इसका मफहूम। सलाम पढ़ते मोहम्मद तो इस जमाने में जिसका मैंने हवाला दिया गैबत इमाम, दो बड़ी खास चीजें हैं। बल्कि हम मुहिब्बाने अहले बैत बहुत दावे से कह सकते हैं कि हमारी बुनियादी चीजें दो हैं, मौजूदा बुनियादी दो चीजें। वो दो चीजें क्या है? एक मर्जियत है, एक अज़ादारी। तो दो बुनियादी चीजें इस जमाने में, दो बुनियादी चीजें। एक का नाम मर्जियत है, एक का नाम आज़ादारी। आज़ादारी यानी एक ऐसा मरकज जहां से दीन रिन्यू होता है। आज़ादारी यानी एक ऐसा सेंटर कि जहां से दीन का पैगाम मिलता रहे। आज़ादारी यानी एक ऐसा मरकज कि जहां से दीन की मालूमात सालाना मतली। देखें ये मोहब्बतें इंसान को आमादा करती है कि पर्ची अदा बिछाओ, और ये उसी मोहब्बत के शामियाने के साए में होता है कि तुमने मोहब्बत के हवाले से पर्ची अदा बिछाई थी। ये नामे हुसैन का सदका है, ले जाओ दीन, ले जाओ शरीयत, ले जाओ तफसीर, ले जाओ कुरान, ले जाओ आयते, ले जाओ मालूमात, ले जाओ सलाम पढ़े मोहम्मद। दो चीजें अहम करीन, दो चीजें। एक का नाम है आज़ादारी, दूसरा का नाम है मर्जियत। मर्जियत यानी एक ऐसा मैग्नेट कि एक आवाज बुलंद हो तो सब हम आवाज हो जाए। क्या है? एक आज़ादारी और एक मर्जियत। अभी मौका मिला तो आज सुनो मार दिया भी यार। दो चीजें, एक से दीन मिल रहा है, फिर करें करता आजादारी के सहारे दीन मिलता है। आजादारी के साय में वाजिबात पता चलते, आजादारी के साय में मजहबी मालूमात पड़ती है। मगर परवरदिगार ने जो वाजिबात हम पर मौजन किए हैं उन वाजिबात पर अमल कैसे होगा उसके लिए दूसरा दरवाजा है जिसे मर्जियत कहते हैं। यानी आज़ादारी के साए में दीन मिला था, दीन पर प्रैक्टिकली तौर से अमली तौर से हम चलेंगे कैसे उसके लिए जरूरत है उस दरवाजे की जिसे मर्जियत कहते हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद। और दुश्मन इस बात को जानता है कि शरीयत की कमर टूट जाएगी। आप महसूस करके देखें कमर टूटती हुई महसूस होगी। अगर इन दो मराकिस से इन्हें हटा दिया जाए, मर्जियत से रिश्ता छीन लो, आजादारी से इन्हें दूर कर दो, इनकी कमर टूट जाएगी। आजादारी से दूर होंगे यानी दीन से दूर हो गए, मर्जियत से दूर हो गए यानी मुंतशिर हो गए। यानी दुश्मन चाहता है हम बिखर भी जाए बेदीन भी हो जाए। हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि ना हम बिखरने पाए, ना हम बिखरने पाए, इसलिए मर्जियत जरूरी है, ना हम बेदीन होने पाए इसलिए आजादारी जरूरी है। दो वर्ड्स और जिनसे समाते मानूस हो रही हूं, एक है मुकसिर, एक है अरबारी। तवज्जो से सुनिएगा, दो 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 लफ्ज़े, दो लफ्ज़े
आना हो तो आ जाए, मजलिस डिस्टर्ब ना करे, सलाम पढ़ते हूँ। तो तू तो लग जाओ है जिनसे समाज में मानूस हो रहे हैं, एक का नाम है अखबारी, एक का नाम है मुकस्सिर। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की कि जो सर्टिफिकेट हम बांटते हैं ना, तशरीफ लाए। दो वर्ड्स, दो लफ्जे, मुकस्सिर और एक अखबारी। जरूरत है इन दोनों लफ्जों के सामने। किस बात की जरूरत है? हमें इतिहास से मामले बहुत जल्दी सनद दे देता देते, बहुत जल्दी सनद दे देते, फला अखबारी हो गया, फला मुकस्सिर हो गया। अब लफ्जे आपके हवाले करता हूं। मुकस्सिर, देखिए कौम को बामल बनाने की कोशिश करने वाले को मुबल्लिग कहते हैं, मुकस्सिर नहीं। तवज्जो रखिएगा जो तुम दे रहा हूं आपको। कौम को बामल बनाने की कोशिश करने वाले को मुबल्लिग कहते हैं, मुकस्सिर नहीं। तो मैंने क्या कर रहा हूं, बामल बनाने की कोशिश करने वाले बेअमली और बदअमली पे परवरदिगार के अजाब को याद दिलवाने वाले को नजीर कहते हैं, मुकस्सिर नहीं। कौम को अच्छे आमाल की तरफ मुतवज्जे करने वाले को मुसलह कहते हैं, मुकस्सिर नहीं। और तब तक मुकस्सिर नहीं कह सकते, फिर जुमला रिपीट करूंगा और इंशाल्लाह गारंटी के साथ इलाहाबादी में रहता हूं। क्या कहते? मुसलह कहते, नजीर कहते हैं, मुबल्लिग कहते हैं, मुकस्सिर नहीं कहते। और तब तक मुकस्सिर नहीं कह सकते जब तक किसी को फजाइले मौला पूरा न लगने लगे। जिस दिन नारे हैदरी में पेशानियों का बल पड़ जाए, जब देखो तुमने मौला की कोई फजीलत बयान की, उनका चेहरा उतर गया, ये चेहरा नहीं उतरा। मुकस्सिर होने की जी कुछ बबूत मोहर लगाई, सलाम पढ़े तो है।
से किसा के साथ साथ दुआए कुबैल का चढ़ाव चल रहा है। पर्दा हमारे घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह था, क्या है पर्दा था, मगर वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो हमारी बहु बेटियों के सरों पर ये जो स्कार्फ नजर आ रहा है ये 30-32 साल का कारनामा है। तवज्जो रखिएगा, यानी ये मस्जिदों में दुआएं कुबैल की रौनक, सरों का ठगा होना बहु बेटियों के, ये इंकलाब इस्लामी ईरानी का असर है। देखिए तब्दीलियां बहुत सी, मैंने मिन बाबिल मिसाल दो रखी है, सलाम प्रोफेट मोहम्मद जो मैंने आपके सामने रखी, वरना तरतीब में जाए तो ये दूसरी किस्त है। सलाह पर दे एक किस्त, एक तब्दीली और भी है, एक तब्दीली और, वो तब्दीली कौन सी है, बाकू सदर की शहादत से पहले नजर आई। बाकू सदर की शहादत कम से कम 30% लोगों को तो याद होगी ना, आपके सामने रखा जो तरकीब के एतबार से पहला, उनकी शहादत से पहले तब्दीली नजर आई। तब्दीली क्या, उस जमाने से काम करें तो उनकी शहादत से 20-25 साल तक मुसलसल उलमा और जाकिरीन तवज्जो से सुनिएगा जो आप कहने जा रहा हूं, 20-25 साल तक मुसलसल पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं और हिंदुस्तान से मुतासिर जितने ममालिक है उनकी बात कर रहा हूं। आप समझते हो कि पाकिस्तान को भी सिर्फ, हाँ जी, हम इसी से मुतासिर एक कंट्री को पाकिस्तान कहते हैं। सब आप शहादत से 20-25 साल का माजी की तरफ सफर करें आप, तो तमाम उलमा और साकिरीन क्या कर रहे थे, सही जो कुछ कर रहे थे वो कारनामा था। मैं ये मानता हूं, देखें बुजुर्गों के लिए कोई जुमला कहना इतना आसान नहीं होता जितना लोग कर्म करते हैं, बाद में अगर समीर जागा तो इस्तेफा करते हैं। सलाह होते मोहम्मद जुमला फिर रिपीट कर रहा हूं, घरों में ले जाइएगा, सोचिएगा अगर जमीर जागा, इससे कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि मरते मर जाते हैं मगर जमीर नहीं आता। चला करे मोहम्मद वाले, तो 20-25 साल बादशाह उनकी शहादत से पहले यानी माजी का सफर, और अमा और साकिरीन ने 95% बगैर किसी मुबादले के 95% बनाबे जवाबे तोहफे इस्ना अशरी बशकले मुनाजरा। तो रखिएगा जो जुमले दे रहा, बनाबे जवाबे किताबे तोहफे इस्ना अशरी बशकले मुनाजरा, सिर्फ फजाइल पढ़े जा रहे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी बाकू सदर की शहादत से 20-25 साल का सफर माजी की तरफ करें तो मैं इस नाशरी ताक पूछी गई थी जिसके जवाब में मुनाजरे के अंदाज में सिर्फ फजाइल अहले बैत पढ़े जा रहे थे। तो अगर फजाइल अहले बैत पढ़ना इस बात के इल्जाम को जायज करार देता है कि आदमी अखबारी हो गया, तो एशिया ने हजरे कर रहा अपने माजी की तारीख को क्या अखबारी से मिला लोगे। चला पड़े मोहम्मद वाले, भाई पढ़ाए पढ़ना अखबारी नहीं है, वो तिफले मक्का होते हैं जिन्हें कहा जाता है बेटा जाओ आधा घंटा पढ़ के चले आओ जो भी चाहे पढ़ देना। सलाह
فضل ومقال. फराइज तो आपकी
सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले या तो वादा करो कि जरूरतें तकलीफ का तुम इनकार कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात इनकार कर दो, मगर फिर वो मेहनत करो जिसकी तुम में ताकत नहीं है, वो मेहनत करो यानी कुरान और हदीस के जरिए उन तमाम वाजिबात इलाही की तफसीलात हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है जो घर बैठे एक मुकल्लिद को उसका मुतहिद दे देता है। सलाम पढ़े मोहम्मद या उस अमल का वादा करो जिसकी ताकत तुम में नहीं है या फिर किसी की तरफ रुजू करो उस मालूमात के लिए उसी रिंग के लिए किसी की तरफ रुजू करो जिसकी तरफ रुजू करोगे उसे मजा कहते हैं, दरमियान में जो रिश्ता बनेगा उसे तबलीग कहते हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद वाला इमामे जमाना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ अचानक शुरू नहीं हुई, तवज्जो रखिएगा जो जुमला देने जा रहा हूं, अचानक शुरू नहीं हुई इसलिए कि मासूम तहत के पर्दे में जा रहा ना, मासूम तहत के पर्दे में जा रहा तो कयादत की मिहार गैर मासूम हाथों में होगी ना, मालूमात अब किससे हासिल करनी है उससे जो मासूम नहीं है, तो गैबत अचानक शुरू नहीं हुई बल्कि उस जमाने में हुजूर के जमाने में हुजूर ये गैबत के मुकाबले की लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वरना हुजूर का मतलब सरकारी खत्म मरतबा आप समझेंगे। सलाम मासूम ने अपनी जिंदगी में अपने चाहने वालों को पहले प्रैक्टिस कराई है, तजुर्बा कराया है अमली तौर से कि देखो गैर मासूम की तरफ रुजू कैसे करोगे, इधर यह प्रैक्टिस करवाई है उधर गैर मासूम के सर पे हाथ रखा है, तुम मेरी मस्तक पर बैठो मगर इस तरह बैठो कि अपने को नावारिश न समझना, जहां जैसे जरूरत समझूंगा मदद करता रहूंगा, बात बारहवें की नहीं है, बारहवें से पहले ग्यारहवें इमाम के यहां देखे, ग्यारहवें से पहले दसवें इमाम के यहां देखे, अक्सर इस तरह की बातें मिलती है कि मोमिन या आगे सरकार अक्सर ऐसा होता है कि आप तक पहुंचना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं मुश्किल होता है, फिर सरकार जब आप तक न पहुंच सके तो हम क्या करें, कल तुम्हारे इलाके से कहीं फला है अच्छा वो जब किसी का तालुक कराते हैं तो गारंटी साफ में होती है, तुम्हारे इलाके से कहीं फला है सेका भी है अमीन भी है, मालूमात जो कुछ तुम्हें हासिल करना है उसके दरवाजे पर चले जाओ और इस बात का यकीन रखो उससे जो कुछ तुमको मिलेगा वो वही होगा जो हमने उसको दिया है। जनाब बंदे मोहम्मद अच्छा उसके बाद भी देखिए जब गैबत का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें फिर दो किस्ते, अब किस्त की लफ निकल गई है उसी हवाले से, फिर दो किस्ते, पहली किस्त वो है कि किसे दरमियान में रखा है वो इनसे भी मिलेगा जिसकी नियाबत है, जिसकी जगह पर है, जिसके नाम से वो मसनद मंसूब है, और कौन से भी मिलेगा यानी पहली किस्त को ऐसा लगता है जैसे बशर ने पैगंबरी परवरदिगार पेश कर रहा है कि इधर से ले रहा उधर दे रहा, जिसे लोग बातें अरबाह कहते यानी वो खास नायबीन, ये पहली किस्त है कि कौम हम तक नहीं पहुंच सकती लेकिन जिसे हमने कौम के सामने रखा है हस्ब जरूरत वो हम तक पहुंचेगा, इसका रिश्ता उससे है जिससे ले रहा और उनका तो सामना बार बार ही दिन तक पहुंचा रहा। अच्छा ये सिलसिला काम हो रहा मगर इस शाम से कि पहले रिवायात ने इस बात की तस्दीक
سے رکھ دیا تو ہمیں رکھ دیا. غیبت کے زمانے میں یہ جملہ قابل غور ہے کہ اگر معصوم مرجعیت کے حوالے سے یہ فکر دے رہے ہو کہ اگر انہیں رکھ دیا تو سمجھنا مجھے رکھ دیا, تو امام کا چاہنے والا اپنی زندگی میں رد بات میں کرے گا, سوچے گا پہلے کہ آج انہیں رد کر رہے ہیں. اس کا مطلب اگر ان کے حضور کے زمانے میں, ان کے ظہور کے زمانے میں ہم رہیں گے تو شاید ہم میں وہ جرات پیدا ہو. تو بھیا جرات کے سر کو قلم کر دینا ابھی وقت ہے. سلام محمد محمد اچھا دیکھیے ترتیب دے, ترتیب دے, خیر معصوم ہاتھوں میں قیادت کیا تو کہاں مدد کرنی, کہاں صرف سہارا دینا, کب کتنی دفعہ اس کا ہاتھ پکڑنا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نہ قوم کی ہے نہ مستحق کی, اصل ذمہ دار کون ہے؟ جس کی طرف کی نیابت منسوب ہے وہ سمجھتا ہے, وہ مصلحت دیکھتا ہے کب کس طرح سہارے کی ضرورت ہے, اور جس شان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ شان کا سہارا دیتا ہے. سب آپ پڑھتے محمد بات کریں ابتدا ہے, بالکل ابتدا, ابتدائی زمانہ ہے کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ دل میں شرعی مسائل کی گتھیاں الجھتی ہیں. جملے میں غور کیجیے گا, دل میں, دل کے اجالے میں شرعی مسائل کی گتھیاں الجھتی ہیں. جو مسند پہ بیٹھا ہے وہ مطمئن بیٹھا, جو مسند پہ بیٹھا ہے بھائی, کسی پروفیسر کے سامنے اگر کوئی سوال ایسا آ جائے کہ جس کا حل اس کے پاس نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے. مگر ہم نے اس سلسلے نیابتِ عمومی میں دیکھا ہے کہ دن کے اجالے میں شرعی مسائل کی گتھیاں الجھی ہوئی ہیں اور وہ مطمئن بیٹھا ہے. بھائی مطمئن کیوں بیٹھا ہے؟ کاشف کے سناٹے کا انتظار کر رہا ہو, رات کی تنہائی کا انتظار کر رہا ہو. بھائی رات کی تنہائی کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ شب کے سناٹے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہ جب مومنین سو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باب العلم کی طرف رخ کروں گا, جن کی قیادت میرے ہاتھ میں ہے جب وہ سو جائیں گے تو میں باب العلم کی طرف رخ کروں گا. اچھا ایک بات بتائیں, کوئی اچانک رخ کر دے گا اس طرح؟ ہمارا ادھر سے کوئی اشارہ ہے؟ ورنہ میرے معصوم کیا جانے, میں روزے پہ جا کے سوال کروں گا وہاں سے جواب آئے گا. سوال کرتے محمد والے شب کا سناٹا پھیلا, رات کی تنہائی پھیلی, مومنین اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. اور صرف مومنین نہیں سوئے, روزے کے خدام اپنی ڈیوٹی تمام کر کے سب دروازے پر بھی تالا مار کے وہ بھی بہ بہ خواب ہو گئے. وہ دن کے اجالے میں شرعی گتھیاں جہاں اونچی تھی اپنی مسکت سے اٹھا, رخ کیا بند دروازے کی طرف. ظاہری نگاہوں سے دیکھے تو بند دروازے کی طرف جا رہا ہے اور اس دروازے کی طرف جا رہا ہے جسے خادموں نے تالا لگا کے خود بہ بہ غفلت میں ہے, خواب غفلت میں ہے, سوئے. مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے, یعنی قدموں کی آہٹ جیسے ہی دروازے میں سنی, تالا بھی کھلا, زنجیر بھی کھلی, ایسا لگتا ہے وہ خادم تو سو گئے تھے جنہیں لباس بشری کی ضرورت ہے, مگر وہ خادم 24 گھنٹے تک بیمار رہتے ہیں کہ جو خدمت تو کرتے ہیں مگر لباس بشری کی ضرورت نہیں ہے. مگر جہاں جہاں اس فقیر کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوگی وہ تمام خادم حرکت میں ہیں جنہیں لباس بشری کی ضرورت نہیں ہے اور سوتے بھی نہیں ہیں. سلام پڑھتے محمد والے ذریعہ
कि हमने सलाम किया है, जाहिर है हमारा फर्ज है कि हम सलाम भी नहीं करेंगे। भाई आम तौर से यही होता है ना कि हम सलाम करते हैं, बस सलाम करते हैं। बस सलाम का जवाब तो छोटी बात है, उलझे हुए मसाइल की गुत्थियां सुलझ रही है रोजे से। और जब तक चाहा ये सिलसिला चला कि जहां जहां शराई मसला उलझा रोजे तक गए, इमाम ने मुश्किल कुशाई की और जब मुनासिब समझा तो आवाज किया ऐसा करो आज नहीं। कूफे की फला मस्जिद पे जाओ, मेरा पोता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी तक दादा से पूछते आए थे, आज बाप के इमाम के सामने जाओ, सालू अदब तक करो, यानी जिसकी मस्तक पर बैठे हो उसे पहचान तो लो, उससे मिल तो लो, यानी कभी कभी बिन मुशाफा भी मसाइल को हल हल कर लिया करो। इससे जाहिर है ईमान की जिंदगी बढ़ती है, तबीयत होती है, सवाल होते हैं। नतीजा सोचते हैं कि मर जाने के बाद किसी को अजियत देना
शरत जायज नहीं है। तो जिसका इंतकाल हो गया उसके शिकम में बच्चा, तो अगर पेट चाक किया गया तो कितनी बड़ी हत्या तू अपना। लेकिन पूछने वाला गया, घर पहुंचा, इससे पहले तू बयान दे कि मसला यह है कि मरने जो बचाए उसे अजियत नहीं दिया, ऐसे ही अपना किसी ने तक बात किया। आगे दरवाजे क्या भाई कब मैं भेजा गया हूं एक पैगाम के साथ। कब पैगाम क्या है? कब पैगाम यह है कि इस तरह मैयत को दफनाना नहीं, बल्कि पहले जिंदा बच्चे को शिकम से निकाल लो फिर दफनाओ। लीजिए मैसेज पहुंच गया, बच्चा सलामत है, मैयत को दफना दिया गया। कुछ दिनों के बाद जब उस मुस्तहिस से उस मोमिन की मुलाकात हुई तो मोमिन ने बताया, सरकार दोबारा जो मैसेज आया था मैंने उस पर अमल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा सलामत है। तो मोमिन से तो कुछ नहीं कहते, हाँ जिसने इत्मीनान दिलाया था कि इत्मीनान से बैठो अपने उसके बाप की तस्दीक की, मौला तेरे नाम लेके तेरी मदद से बैठा था, तूने कांपते हाथों में संभाल लिया तेरे जिसने इब्तदाई उम्र में
खाने आले मोहम्मद में ज़ैनबो उम्मे कुलसूमी की खिदमत का शराब हासिल किया है। तवज्जो रखिएगा जो कहने जा रहा हूं। मीर अनीस की एक बहस सुना दे जिसने बचपना इस तरह गुजारा है कि बचपन आपसे गुजर रहा है, बतूल की बेटियों की खिदमत का शराब नहीं मिला। वक्त गुजरता गया, हालात बदले, बड़ी उमरिया के खानदान में विस्तार हो गया। वक्त गुजर गया, आज ही कल का जमाना रहा होगा। जब उसे खबर मिली कि कुछ हाजियों ने खरूज किया था, मेरे शौहर के सिपाहियों ने उनके मर्दों को जिंदा कर दिया है, औरतों को कैदी बना के लाया, वो जुमला मैंने खासतौर से कहा था ताकि आपके कदम छोड़ रहा है। बचपन में वो दूर बेटियों की खिदमत का शरफ मिला था ना, तो उसके दिमाग में मोहम्मद के नवासियों का दर्स भी आया कि कैसा ही काम हो, कैसा ही अहम काम हो, हमने तो बतूल के घराने से सुना यही है कि असीलों की मदद करो। एक बीबी को देखा
क्या उन बीवियों में एक बीवी ऐसी है कि जो पति इस बीवी के पीछे जो जिंदा में बाहर होता
इसने वो पत्थर उठाया, पत्थर पर नहीं रासा। आस्था से नहीं मक्का का जुमला, इतनी जोर से उसने वो पत्थर अपने सर पर के कह के मारा, अगर यही सामने तो हम जी के जा रहे हैं। Yeah, I love you.